नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगवानी पुल हादसे पर पटना हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। बिहार के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए इस दिन तक करें आवेदन। सीएम के बयान पर बीजेपी का तंज। बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ते ऋषभ पंत के वीडियो पर हरलीन देओल ने कहा ये। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार में 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in या www.online.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख या अपलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि आवेदन करने के दौरान पेमेंट करने से पहले अभ्यर्थियों को एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके होंगे और साथ ही परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिए होंगे, अगर उन्हें भी किसी त्रुटि का एहसास होता है तो वे आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी दिन अपना आवेदन रद्द कर सकते हैं और फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम नीतीश के सुरक्षा घेरे में घुसा बाइक सवार। आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल रहे थे तो उनके सुरक्षा घेरे में एक बाइक सवार घुस गया, जिससे बचने के लिए नीतीश कुमार फुटपाथ पर चढ़ गए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक अन्य मार्ग पर लहरिया कट बाइक चला रहा था। इसी बीच वो बाइक चलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे में घुस गया। ऐसे में अगर सीएम फुटपाथ पर नहीं चलते तो उन्हें चोट भी लग सकती थी। वहीं सुरक्षा बलों के अनुसार एंगल को देखते हुए इस मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। वहीं अभी निर्णय लिया गया है कि सर्कुलर रोड आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बिहार के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऐलान किया गया था कि मेडल ला और नौकरी पाओ। ऐसे में अब इस ऐलान को लेकर कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बिहार राज्य के वैसे खिलाड़ी जो किसी राज्य में मेडल जीते हैं तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र संकरण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत भर्ती के लिए बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है। 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। खिलाड़ी भले ही दूसरे राज्य में पदक जीते हो लेकिन मूल रूप से बिहार प्रमाण पत्र मान्य होगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। आईएएस के पाठक ने विश्वविद्यालयों को दी चेतावनी। बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित हो सके, इसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को सख्त चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के देरी से चल रहे परीक्षा और अकादमिक सत्र 3 माह के अंदर नियमित कर ले, चाहे शिक्षकों को कितने ही घंटे रोज क्यों ना पढ़ाना हो, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसके तहत विश्वविद्यालय के सभी शीर्ष पदाधिकारियों और जवाबदेह अफसरों तक के वेतन बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्र नियमित करने के मामले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिन के अंदर अकादमिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर सहित अन्य कैलेंडर विभाग को प्रस्तुत करे ताकि उन्हें कैलेंडर का गजट नोटिफिकेशन कराया जाएगा। अगवानी पुल हादसे पर पटना हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुल्तानगंज के अगवानी और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर पटना हाई कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह की एकल पीठ के द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसके तहत हाई कोर्ट के द्वारा पुल के निर्माण में लगी हुई कंपनी एजेंसी मेसर्स एसपी सिंगला के एमडी को 21 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है और साथ ही राज्य सरकार से पुल से जुड़े अब तक के किए गए सभी कार्यों के दस्तावेज को भी पेश करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि सुनवाई ललन कुमार की ओर से की गई पीआईएल पर की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले को लेकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट और साथ ही इस मामले की जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने के लिए कही गई है। पटना एसएसपी ने देर रात की समीक्षा बैठक। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पटना के एसएसपी के द्वारा सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी सहित तमाम उपाध्यक्ष एवं आरक्षी अधीक्षक को निर्देश भी दिया और साथ ही लंबित कांडों की समीक्षा भी की और निर्देश दिया कि मौजूद केस के निष्पादन पर काम किया जाए। मालूम हो कि यह मीटिंग देर रात तक चली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में अलग अलग पैरामीटर के आधार पर थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की गई और साथ ही उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। मालूम हो कि राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एसएसपी के द्वारा समीक्षा बैठक की जाती है।
खेसारी ने रंगदे बसंती के सेट पर मनाया अपना सालगिरह। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रंगदे बसंती की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। ऐसे में उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे रंगदे बसंती के सेट पर अपनी पत्नी चंदा देवी को बड़े ही प्यार से रिंग पहनाते हुए और केक काटते हुए अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर उनके परिवार से लेकर सेट के फ्रेंड्स भी नजर आए। मालूम हो कि इस दौरान कपल्स ने कई तस्वीरें भी क्लिक करवाई है, जिसे देखकर उनके फैंस उन्हें परफेक्ट कपल गोल की बात कह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेट पर इस सेलिब्रेशन का आयोजन फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन सिंह और को प्रोड्यूसर शर्मिला आर सिंह के द्वारा किया गया था, जिसे देखकर खेसारी लाल यादव बिल्कुल सरप्राइज हो गए और उन्होंने सभी को इसके लिए शुक्रिया कहा। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, अगर आप भी बीपीएससी की ओर से ली जा रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं और आपको इसके लिए तैयारी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और पाना चाहते हैं पहली बार में ही सफलता, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे चक्षु प्रकाशन की बहुत ही रेलिवेंट बुक के बारे में, जो कि हर स्टॉल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस एड भी हर स्टॉल पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए मिल जाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बुकें। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगा कट ऑफ। नीट 2023 में बिहार के ऑल इंडिया 15% कोटे के साथ साथ बिहार स्टेट का कट ऑफ भी बढ़ने वाला है। बता दें कि मॉपअप राउंड के तहत करीब 600 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज की अंतिम सीट मिल सकती है। मालूम हो कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज की 85% सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा एडमिशन प्रक्रिया आयोजित कराई जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के अनुसार सरकारी कॉलेजों में MBBS की 1121 व डेंटल की 30 सीटों पर एडमिशन होगा। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 1050 सीटों पर एडमिशन होगा। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में 240 सीटों पर एडमिशन होगा। वेटनरी कॉलेजों की 52 व सेल्फ फाइनेंस की 8 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। सीएम के बयान पर बीजेपी का तंज। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर जो बयान दिया गया था, उससे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि सीएम के इस बयान पर जेडीयू की ओर से सफाई भी दी जा रही है, वहीं अब उनके इस बयान पर बीजेपी के द्वारा भी सीएम नीतीश पर तंज कसना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि आखिर नीतीश कुमार को जनता से डर क्यों है। उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, निर्वाचन आयोग चुनाव सही समय पर करवाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग आपके हिसाब से नहीं चलता बल्कि संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। ललन सिंह और जेपी नड्डा के बयान पर दीपंकर भट्टाचार्य का बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा छोटी छोटी पार्टियों को लेकर दिए गए बयान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा अगले 50 साल तक एक ही पार्टी के राज करने वाले दिए गए बयान पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के द्वारा छोटी पार्टियों को लेकर जो बयान दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब कई छोटे और बड़े राजनीतिक दल होंगे, इसलिए किसी को छोटा कहना सही नहीं है। इसके साथ उन्होंने जेपी नड्डा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता के द्वारा यह बयान दिया गया है कि अगले 50 सालों तक एक ही पार्टी का राज चलेगा, ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। उन्हें अपने अंदर से यह बात निकाल देनी चाहिए कि वह अकेले राजनीति में रहेंगे। वृंदावन की गलियों में संत वेश में तेज प्रताप। इन दिनों बिहार में एक तरफ जहां सियासी उठापटक चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वृंदावन में रील्स बना रहे हैं। बता दें कि उनके एक रील्स सामने आई है जिसमें वे पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर बिल्कुल संत रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के बैकग्राउंड में राधा और कृष्ण का भजन बज रहा है। दरअसल अपने पिता लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव मथुरा के बरसाना गए थे और वहीं उन्होंने लालू यादव का जन्मदिन भी मनाया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव का कोई वीडियो सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार उनका वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो कभी कृष्ण बने नजर आते हैं तो कभी निशाना लगाते। बिहार आएंगे जेपी नड्डा और अमित शाह। लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बिहार आने वाले हैं। बता दें कि यह जानकारी देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई भाजपा कोर बैठक से निकलकर सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 24 जून को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। वहीं 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर आएंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करेंगे। बताते चले कि लोकसभा प्रवास कार्यक्रम को लेकर दोनों नेताओं का आगमन हो रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मू से मिले सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग। कुछ वर्ष पहले जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा बिहार के कटिहार के आजमगढ़ प्रखंड के दो पंचायत जो सौरिया पहाड़ी जनजाति का बहुल इलाका है वहां सर्वे किया गया था। इस दौरान मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 10 सौरिया पहाड़ी जनजाति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। बता दें किसी के तहत 10 प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और अपनी मुश्किलों को राष्ट्रपति के सामने रखा गया। वही राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन 10 लोगों को जिलाधिकारी ने भी अपने पास बुलाया जहां उन्होंने सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ते ऋषभ पंत के वीडियो पर हरलीन देओल ने कहा ये। बुधवार को ऋषभ पंत के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर सीढ़ियां चढ़ने का एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें वे बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ने के लिए काफी मेहनत करते नजर आ रहे थे। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए पंत ने कैप्शन में लिखा कि ऋषभ बहुत अच्छे यार, कभी कभी काफी सरल चीजें भी कठिन हो सकती हैं। उनके इसी पोस्ट पर 24 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर हरलीन के द्वारा मजाकिया अंदाज में उनके लिए कुछ प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया गया। उन्होंने लिखा, शाबाश लड़के, अपनी भांगड़ा परफॉर्मेंस तैयार रखो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंत इन दिनों पिछले साल के अंत में दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर एक दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों से उबर रहे हैं और वे लगातार अपनी सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर फैंस को अपडेट देते रहते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, मुटुर रंगीला, रंजीत मिश्रा, कुमारी संजना, राजकिशोर महतो, सदुल्लाह पलवी, अंजानी कुमार, राम प्रसाद सहनी, अनवर करीम खान, अनसुप्रिया, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र को नियमित किया जा सके इसके लिए आपके अनुसार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आपका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।